हेलो दोस्तों, आरएसी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सौरभ और आप जुड़ चुके हैं राइट एंगल क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। इस वक्त मेरे साथ गत परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके आज हमारे 17वें नंबर की क्लास हैं। पहले 16 क्लासें अपन ले चुके हैं। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। UOR और राजस्थान के जितने भी एग्जाम हैं, शिक्षक भर्ती के, कॉलेज व्याख्याता, कॉन्स्टेबल, जो भी एग्जाम है उनमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका अपन डिटेल से अध्ययन कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अब आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है। अपन राजस्थान की मिट्टियों के बारे में बात कर रहे हैं। राजस्थान में, राजस्थान की मिट्टी, जो राजस्थान में वैज्ञानिक आधार है उसके आधार पर कितनी मिट्टियाँ पाई जाती है। वैज्ञानिक आधार पर राजस्थान में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो वैज्ञानिक आधार पर राजस्थान में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन सी ये मिट्टियाँ हैं राजस्थान के अंदर, तो बात करें तो जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें पाई जाने वाली मिट्टी है एरिडोसोल, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, जो शुष्क और अर्ध शुष्क जो प्रदेश है उसके अंदर एरिडोसोल मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद अपन बात करें तो एल्फी सोल ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है, जो उप आर्द्र और आर्द्र प्रदेश है उसमें एल्फी सोल मिट्टी पाई जाती है। कौन सा ये क्षेत्र है, टोंक, जयपुर, अलवर के आसपास का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में एल्फी सोल मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा कौन सी है, वर्टिसोल जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है वर्टिसोल मिट्टी के बारे में, ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, जो मतलब हाड़ौती प्रदेश है उस क्षेत्र में वर्टिसोल मिट्टी पाई जाती है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर। इसके अलावा है एरिडोसोल, वर्टिसोल, एल्फिसोल और इंसेप्टिसोल। जो इंसेप्टिसोल मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है, बांसवाड़ा के क्षेत्र के अंदर। और जो एंटीसोल प्रकार की जो मिट्टी है ये पाई जाती है जो अरावली का पश्चिम क्षेत्र है, मतलब जैसलमेर के अलावा, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर में एरिडोसोल, उसके अलावा अरावली के जो पश्चिम क्षेत्र है उसके अंदर एंटीसोल मिट्टी पाई जाती है। तो क्वेश्चन का सही आंसर, वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है, तो वर्टिसोल मिट्टी मिलती है दक्षिण पूर्वी भाग के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन सा शासक था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की जो सेना थी उसके पराजित किसने किया था, जोधपुर के राजा थे 1857 में, उनका क्या नाम था, तख्त सिंह। इनको और अंग्रेजों की सेना को जिसने पराजित किया था उनका नाम है आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। और 1857 में जो अंग्रेज थे उनके मध्य युद्ध हुए थे, वो कौन कौन से युद्ध थे, जो 8 सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध हुआ था कुशाल सिंह चंपावत और अंग्रेजों के मध्य, ये हुआ था भीतोड़ा का युद्ध। और इसके बाद हुआ था 10 दिन बाद 18 सितंबर 1857 को, ये कौन सा युद्ध हुआ था, चेलावासा का युद्ध। 8 सितंबर 1857 को जो युद्ध हुआ था उसके अंदर कौन कौन थे, तख्त सिंह के साथ थे जो अंग्रेज़ों की तरफ से मेजर हितकोट थे, वो साथ में थे, कुशाल सिंह चंपावत और इनके बीच युद्ध हुआ था, इस युद्ध का जो विजेता था वो थे कुशाल सिंह चंपावत। इसके बाद 18 सितंबर 1857 को चेलावासा का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में कौन कौन से, तो राजस्थान के जो AGG है पैट्रिक लॉरेंस वो थे इसमें, और मैकमोसन थे, ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस और जो मैकमोसन ये दोनों साथ में थे, कुशाल सिंह चंपावत थे, इनके साथ सेना थी
तो पेट्रिक लॉरेंस और मैक मोसन और किन के बीच हुआ था? वाघे ठाकुर कुशाल सिंह के बीच ही युद्ध हुआ था, चेलावासा का युद्ध। इनके विजेता थे कुशाल सिंह चंपावत। जो मेक मोसन है इनको मार दिया गया था और जो आवा का जो किला है उसके बाहर इनके सिर को लटकाया गया था। तो क्वेश्चन का सही आंसर है आवा के ठाकुर कुशाल सिंह। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। राजस्थान से अधिकतम 4 बार राज्यसभा के लिए कौन निर्वाचित हुआ है? तो राजस्थान से अधिकतम 4 बार अभी तक जो भी निर्वाचित हुआ है राज्यसभा के लिए उनका नाम है रामनिवास मिर्धा। ठीक है, इनके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं सार्वजनिक महत्व के एक मामले के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधानसभा का सदस्य अंत सत्र अवधि के दौरान एक सप्ताह में कितने अंतरांकित प्रश्न की सूचना दे सकता है? तो कोई भी विधायक है अंतर सत्र अवधि के दौरान एक सप्ताह के अंदर जो एक प्रश्न है अंतरांकित प्रश्न की सूचना दे सकता है कोई भी विधायक, और इसका जवाब जो सरकार होती है उन्हें 30 दिन के भीतर देना होता है। 30 दिन के भीतर कोई भी विधायक किसी भी तरह का प्रश्न पूछता है सत्र के दौरान तो जो सरकार है उसका जवाब 30 दिन के भीतर देगी। 30 दिन के भीतर मतलब जो भी व्यक्ति क्वेश्चन पूछा है उसको उसका पर्सनली जवाब भी दे सकती है, और उसकी जो एक प्रति है वो विधानसभा के पास सरकार के द्वारा भेजा जाता है विधानसभा के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सरकार द्वारा ई धरती कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जिसका संबंध है, ई धरती कार्यक्रम क्या है? ई धरती DHARTI ये जो राजस्व विभाग है उसके द्वारा ये ई धरती कार्यक्रम चालू किया गया है। ये पोर्टल है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं ई धरती और अपने जो खेत हैं उनकी जमाबंदी नक्शा सभी चीज़ें इसमें देख सकते हैं, कौन कौन से नामांतरण चल रहे हैं सभी प्रकार की चीज़ें ई धरती पोर्टल पर दिखाई जाती हैं। तो ये राजस्व विभाग है उससे संबंधित है ई धरती पोर्टल, राजस्व विभाग। इसके अंदर मतलब ग्राम के अंदर जितने भी खेत हैं जितने भी कसरे हैं और जो भी कुछ है विद्यमान है मतलब खाता संख्या सब कुछ हर चीज़ डिजिटल की जा रही है ई धरती कार्यक्रम के तहत। तो इसका ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर है, राज्य के समस्त गांवों के राजस्व मानचित्रों के डिजिटलीकरण से ई धरती कार्यक्रम का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? तो 1857 की क्रांति में जो कोटा के जो अंग्रेज अधिकारी थे कौन कौन थे? मेजर बर्टन थे वहाँ पे और डॉक्टर सेडलर, इन दोनों की हत्या जो कोटा की विद्रोही जनता है उन्होंने की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 और 3। कोटा की क्रांति से किन किन का संबंध है? तो जो लाला हरदयाल और मेहराब खां इन दोनों का संबंध कोटा में जो क्रांति हुई थी उससे हैं। लाला हरदयाल और मेहराब खां ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध मतलब जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो विद्रोह है वो लाला हरदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में कोटा की जनता ने किया था। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई सैनिक छावनी नहीं थी परंतु फिर भी सैनिकों और वहाँ की जनता ने विद्रोह किया था। 6 माह तक जो कोटा का जो किला है वो यहाँ पर जनता के नेतृत्व में या जनता के शासन के अंदर रहा था। तो क्वेश्चन का सही आंसर है डॉक्टर सेडलर और मेजर बर्टन की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही सेना ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्टिसोल मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? अभी मैंने आपको बताया कि जो वर्टिसोल जो मृदा है झालावाड़ कोटा बूंदी बारा इन जिलों में पाई जाती है, और इन जिलों के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहा जाता है, और किसके उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है? कपास उत्पादन के लिए वर्टिसोल जो मृदा है वो अच्छी मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अब। राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था अजमेर 1857 की जो नसीराबाद छावनी है अजमेर से संबंधित है, नीमच और आउवा इन सब में 1857 के अंदर क्रांति हुई थी। जयपुर के अंदर 1857 में कोई क्रांति नहीं हुई थी। तो 1857 की क्रांति का केंद्र निम्न में से कौन नहीं था? जयपुर, ये भी वही आंसर है इसका भी जयपुर। ठीक है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पॉटिस वुड तथा कर्नल न्यूबारी की हत्या किस छावनी में की गई थी? तो जो मेजर स्पॉटिस वुड है तथा न्यूबरी है
इनकी हत्या कौन सी छावनी में हुई थी? नसीराबाद छावनी के अंदर इनकी हत्या हुई थी। नसीराबाद में जो राजस्थान के अंदर पहला सैनिक विद्रोह कब हुआ था? 28 मई 1857 को ये नसीराबाद के अंदर विद्रोह हुआ था। ठीक है, नसीराबाद के बाद कहाँ हुआ था? नसीराबाद के बाद हुआ था नीमच के अंदर। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्टी सूट दर्क किस छावनी में हत्या हुई थी? नसीराबाद छावनी में। इसका आंसर भी नसीराबाद ही है। राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना सबला का शुभारंभ कब किया गया? जो सबला योजना है वो किशोरी जो युवतियाँ होती हैं उनसे संबंधित है। सबला योजना का 24 जनवरी 2011 में सबला योजना का शुभारंभ किया गया था। ये महिला जो सशक्तिकरण है उससे संबंधित एक योजना है सबला योजना, 24 जनवरी 2011। 24 जनवरी को कौन सा दिवस होता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के किन सैनिकों द्वारा किया गया? जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है उनके द्वारा 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के में विद्रोह किया गया था। कौन से नंबर की है ये? जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है उनके द्वारा ये विद्रोह किया गया था 28 मई 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राजाओं में वह कौन शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था? मतलब 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से जो बाहर गया था वो अंग्रेजों की सहायता हेतु गया था। कौन सा राजा था ऐसा जो 1857 में अंग्रेजों की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था? तो वो थे बीकानेर के शासक जो है सरदार सिंह। बीकानेर शासक सरदार सिंह जो थे वो अंग्रेजों की सहायता हेतु 1857 में राजस्थान से बाहर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुभ शक्ति योजना 2022 इम्पोर्टेंट है। शुभ शक्ति योजना 2022 के अंतर्गत राजस्थान सरकार महिलाओं बालिकाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? तो शुभ शक्ति योजना कब की है? 2022 की। इसमें कितनी आर्थिक सहायता महिलाओं और बालिकाओं को मिल रही है? 55,000 रुपये की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा महिलाओं बालिकाओं को दी जा रही है। राजस्थान में से निम्नलिखित कौन से 4 शहरों को स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है? जो राजस्थान ने मतलब स्मार्ट सिटी योजना मतलब केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार की कौन सी योजना है? स्मार्ट शहर योजना कब की है ये योजना? स्मार्ट शहर योजना जून 2015 की। इसके अंतर्गत जो चुने हुए शहर होते हैं उन्हें अच्छे तरीके से और भी बेहतर तरीके से डेवलप किया जाता है स्मार्ट शहर योजना के तहत। तो राजस्थान के कितने शहर इसमें सूचीबद्ध हैं? एक तो है जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। इन 4 शहरों को स्मार्ट शहर के अंदर चुना गया है। अब इनका डेवलपमेंट कार्य चल रहा है जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कृषक उपहार योजना के तहत कितने मूल्य की कृषि उपज के विक्रय पर कृषक को ई कूपन प्राप्त होगा? ठीक है, तो कितने मूल्य की कृषि उपज के विक्रय पर कृषक को ई कूपन प्राप्त होगा? तो इसका सीधा सा आंसर है 10,000 रुपये या उससे अधिक। ठीक है, 10,000 रुपये या उससे अधिक की फसल बेचने पर जो भी किसान है उसे ई कूपन प्राप्त हो जाएगा 10,000 रुपये। नेक्स्ट है, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? अभी मैंने आपको बताया लाला हरदयाल और जो मेहराब खां हैं उन्होंने कोटा के अंदर विद्रोह का नेतृत्व किया था। लाला हरदयाल पेशे से एक वकील थे और मेहराब खां ये एक रिसालदार थे। इस क्रांति के बाद इन दोनों को लाला हरदयाल और मेहराब खां को फांसी पर लटका दिया गया था। राजस्थान विधानसभा में सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत किया है, सबसे ज़्यादा बार बजट प्रस्तुत करने वाले मुख्यमंत्री कौन है? वो है अशोक गहलोत। ये अभी वर्तमान में तीसरी बार मुख्यमंत्री जो बने हैं वो हैं अशोक गहलोत। ठीक है, अशोक गहलोत इन्होंने सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत किया है। राज्य की पहली व एकमात्र जो महिला मुख्यमंत्री है वो है वसुंधरा राजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के प्रकार और जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं? जो जलवायु प्रदेश उनमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? अभी मैंने आपको बताया कि जो एरिडोसोल मिट्टी है वो शुष्क एवं अर्ध शुष्क जो प्रदेश है उनमें पाई जाती है एरिडोसोल मिट्टी।
जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर जो क्षेत्र उसके अंदर ये मिट्टी पाई जाती है। इंसेप्टिसोल मिट्टी पाई जाती है अर्धशुष्क एवं आर्द्र प्रदेशों में। इसका मतलब है कि जो पाली सिरोही क्षेत्र है या फिर जो बांसवाड़ा क्षेत्र है उनके अंदर इंसेप्टिसोल मिट्टी पाई जाती है। एल्फिसोल मिट्टी पाई जाती है उप आर्द्र एवं आर्द्र प्रदेश के अंदर। कौन कौन से उपआर्द्र आर्द्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? टोंक हो गया, जयपुर हो गया, अलवर हो गया, धौलपुर, ये सारे इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वर्टिसोल मिट्टी में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो हाड़ौती प्रदेश है वो आता है आर्द्र एवं अति आर्द्र। तो क्वेश्चन का सही आंसर हो गया 1, 2, 3 और 4। ये मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में हर बार मिट्टी जो राजस्थान में मतलब मिट्टी का वैज्ञानिक वर्गीकरण है उसके आधार पर हर बार कोई सा भी एग्जाम हो इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसलिए आपको ये याद करना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीमच के विद्रोह की तिथि थी? नसीराबाद के बाद राजस्थान में दूसरी सैनिक छावनी में जो विद्रोह हुआ था वो नीमच के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 3 जून 1857 को, 28 मई को नसीराबाद के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी क्रम से संबंधित है? नई प्रणाली के तहत राजस्थान की जो अधिकांश मिट्टी है वो 5 प्रकार की होती है। अब हम पढ़ते हैं वाद्य यंत्रों के बारे में। पहली क्लास में अपन ने सुषिर वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ा था, दूसरी क्लास में तत्वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ा था। सुषिर जिन्हें फूक से बजाया जाता है, तत् जिन्हें तार के माध्यम से बजाया जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र क्या होते हैं? घन वाद्य यंत्र ये वे वाद्य यंत्र हैं जो धातुओं से बने होते हैं, किसी भी प्रकार की ये धातु हो सकती है। और इसके बाद है अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र कौन से हैं? जो चमड़े की सहायता से जिनका निर्माण किया जाता है, चमड़े की खाल वाल कुछ भी चढ़ाकर उनका निर्माण किया जाता है, अवनद वाद्य यंत्रों का। तो घन वाद्य यंत्र में अपन जिस 100 ट्रिक से याद करने वाले हैं वो है श्री महात्मा रथ से झांक कर चीख भड़े। ठीक है, ये हमारी 100 ट्रिक है। अब अपन देखते हैं कि किससे क्या होता है। श्री से हुआ, एक मिनट पेन अपन चेंज कर लेते हैं, श्री से हुआ श्री मंडल, श्री मंडल। मैं महात्मा, मैं से हुआ मंजीरा, मंजीरा। हाँ से हुआ हाकल, मैं से हुआ माठे, माठे। रसे हुआ रमझोल, रमझोल। थसे क्या हुआ? थसे हुआ थाली, खाली। श्री महात्मा रथ से जाकर चीख बड़े, ठीक है। श्रीमंडल, मंजीरा, हाकल, माठे, रमजोल, थाली। कसे हुआ? करताल, करताल, ठीक है। जैसे हुआ झांझ, झांझ। कौन सा वाद्य यंत्र है? ये घन वाद्य यंत्र है। फिर कैसे हुआ? कागरच, कागरच। चीसे हुआ चीपिया, चीपिया। ये भी एक वाद्य यंत्र है, चीपिया, ठीक है। भड़े से हुआ भरनी, भरनी, तो ठीक है। ये सारे घन वाद्य यंत्र हैं, श्रीमंडल, मंजीरा, हाकल, माठे, रमजोल, थाली, झांझ, करताल, कागरच, चीपिया और भरनी। अब इनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपन एक बार देख लेते हैं कि किससे क्या क्वेश्चन बनता है। निम्नलिखित में से पहला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है? घन लोक वाद्य यंत्र मतलब जो भी धातु से निर्मित है, ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है वो नहीं है धातु से निर्मित? तो जो मंजीरा है वो धातु से निर्मित है, अभी अपन ने पढ़ा। चीपियाँ हैं वो भी धातु से निर्मित हैं, जो हाकल है वो भी धातु से निर्मित है, जबकि जो बाकिया वाद्य यंत्र हैं वो घन वाद्य यंत्र नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, बाकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इनमें कौन सा युग्म सही है उसकी अपन को जांच करनी है। खड़ताल, सुषिर वाद्य। क्या खड़ताल एक सुषिर वाद्य यंत्र है? खड़ताल के जादूगर किसे कहा जाता है? जो सद्दीखा मांगणियार, उन्हें खड़ताल के जादूगर कहा जाता है। रबाब एक तत्वाद्य यंत्र है, एकदम सही है। बाकिया घनवाद्य यंत्र, ये बाकिया घनवाद्य यंत्र नहीं है। खड़ताल सुषिर वाद्य यंत्र नहीं है। डेरू, ये सुषिर वाद्य यंत्र नहीं है। डेरू, डेरू डमरू का बड़ा रूप है ये। अवनद जो वाद्य यंत्र है वो है।
ठीक है, तो इसका जो सही आंसर कौन सा है, रबाब तत्वाद्य यंत्र। रबाब एक तत्वाद्य यंत्र है, ये एकदम सही बात है। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं। खड़ताल के बारे में भी अपन ने पढ़ा कि खड़ताल जो है वो कौन सा वाद्य यंत्र है, या ख से खड़ताल बनता है, ये एक घन वाद्य यंत्र है। घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है, जो घूमर नृत्य किया जाता है, राजस्थान का लोक नृत्य घूमर नृत्य को कहा जाता है। तो जब घूमर नृत्य किया जाता है तो कौन कौन से वाद्य यंत्र उपयोग में लिए जाते हैं, तो ढोलक और मंजीरा जो वाद्य यंत्र है, ढोलक एक अनुनद वाद्य यंत्र है और मंजीरा एक घन वाद्य यंत्र है, दोनों का उपयोग घूमर नृत्य के समय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपन को इनमें सुमेलित करना है, जो अलगोजा है वो कौन सा वाद्य यंत्र है। अलगोजा जो है वो सुसीर वाद्य यंत्र है, राजस्थान का जो राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन जो इकतारा वाद्य यंत्र है उसकी बात करें, तो इकतारा वाद्य यंत्र कौन सा है। इकतारा जो वाद्य यंत्र है वो है तत्वाद्य यंत्र। इकतारा वाद्य यंत्र एक तत्वाद्य यंत्र है। झांझ वाद्य यंत्र की अपन बात करें तो यह है अनुनद वाद्य यंत्र, और मांदल की अपन बात करें तो यह है घन वाद्य यंत्र। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ 2 3 4, 2 3 4 और 1, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमझोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है, तो जो रमझोल वाद्य यंत्र है वो किस प्रकार का है, तो रमझोल एक घन वाद्य यंत्र है। ठीक है, मंजीरा तानपुरा चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है। मंजीरा तानपुरा चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग 13 ताली जो नृत्य है उसमें किया जाता है, जो कांवड़िया पंथ की महिलाएं होती है वो 13 ताली नृत्य करती है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। और जो मंजीरा तानपुर चौतारा है इनका प्रयोग 13 ताली नृत्य के दौरान किया जाता है। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास में इतने ही क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। जो वाद्य यंत्र हैं उनमें हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत हो, इसके लिए आपको जो पिछली जो ट्रिकें बताई गई है वो याद कर लेनी है बहुत अच्छे से, और जितने वाद्य यंत्र हैं वो बहुत अच्छे से याद करने हैं आपको। वाद्य यंत्रों में जो आगे की क्लास आने वाली है उनमें और अच्छे से समझाने की कोशिश की जाएगी। तो आज की हमारी क्लास में इतना ही है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सीरीज जो चल रही है वो पसंद आ रही होगी, आपको कहीं ना कहीं इस सीरीज से इन क्वेश्चन जो बताए जा रहे हैं उनसे फ़ायदा होने वाला ही है, नुकसान कहीं इनमें है नहीं, पढ़ने से कभी किसी का नुकसान हुआ है नहीं। तो आप लगातार इन क्लासों को देखते रहिए और अपनी राय जो भी है इन क्लासों के बारे में, क्लास अच्छी लगी या बुरी लगी, क्या इनमें परिवर्तन किया जा सकता है, क्लास के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, अगर आपको ये PDF चाहिए जो मैंने आपको पढ़ाई है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर क्लास अच्छी लगी हो तो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।